दो महीने से बंद पुराना ब्राह्मणी पुल जल्द ही आम लोगों के लिए खुल जाएगा। राउरकेला के लोग जो देखने जा रहे हैं वो विश्वास से परे है। खराब सड़क, धूल, मिट्टी और हेवी गाड़ियों के चलते इस ब्रिज पर लोगों का आना जाना अक्सर पसंद नहीं आता था, लेकिन जैसा कि इसको गेटवे ऑफ राउरकेला कहते हैं, इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं होता था। पर अब ना तो आपको धूल की फिक्र होगी, ना तो खराब सड़कों की, और तो और नए लाइट इंस्टॉलेशन के बाद ये और भी शानदार होने वाली है। ब्राह्मणी ब्रिज अब लगभग पूरा हो चुका है और खूब जल्दी लोगों के लिए इसे खोल दिया जाएगा। कहते हैं 1955 में राउरकेला स्टील प्लांट शुरू होने के बाद 1960 के दशक में ब्राह्मणी नदी पर पहला पुल बनाया गया था ताकि प्लांट को नदी के उस पार सड़क से जोड़ा जा सके। उस समय ब्रिज की लाइफ आंकी गई थी 100 साल, पर बढ़ते इंडस्ट्री के साथ पुल पर भारी वाहनों का अपेक्षा से अधिक यातायात देखा गया, जिसने ना तो सिर्फ पुल की सड़कें खराब हुई बल्कि लंबे समय तक यातायात की समस्या भी बनी रही। पर अब आने वाले विश्व कप के चलते पूरे शहर को जब एक नए रूप से सजाया जा रहा है, तब ब्राह्मणी ब्रिज का बनना सबसे खुशी की बात है राउरकेला के लोगों के लिए। लोगों से जब हमने बात की, उनका कहना था कि उन्होंने कभी भी इस स्तर पर काम होता नहीं देखा है और वाकई में ये काफी खूबसूरत लग रहा है। लेकिन साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि जब ब्रिज खुलेगा, प्रशासन अगर भारी गाड़ियों का आना जाना पूरी तरह से बंद कर दे तो और भी अच्छा होगा, जिससे ना तो सिर्फ सड़कें ठीक रहेगी बल्कि ट्रैफिक और धूल की समस्या भी नहीं होगी। ब्राह्मणी ब्रिज पर इस तरह से काम होता देख आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप देख रहे हैं राउरकेला शाइन्स।